नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। डर एक ऐसी चीज है जो दिल में बैठ जाए तो इंसान हवा से डरने लगता है। अंधेरे में तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं और आंखों को वो सब कुछ नजर आता है जिसका कोई वजूद नहीं। दिल में डर बैठता है तो दिमाग में वहम अपना घर बना लेता है और इसके बाद स्थिति बद से बदतर होती जाती है। आजकल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली के लोगों के दिलों में भी एक ऐसा ही डर बैठता जा रहा है और इस डर की वजह है महिलाओं की चोटी कटने की खबरें। और इसके आने के बाद देश के कई राज्यों में फैल चुका है आतंक। हर बीते दिन के साथ नए नए इलाकों से कैंची वाले शैतान की कोई नई कहानी सामने आ जाती है। फिलहाल हरियाणा के झज्जर, पानीपत और करनाल से चोटी काटने के नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंजाब के भटिंडा और गिद्दड़बाहा में भी लोगों ने चोटी कटने की शिकायतें की हैं। दिल्ली के मायापुरी में तो एक परिवार के 4 सदस्यों की चोटी कट गई। सबसे खास बात यह है कि चीन आजकल रोज भारत को नई नई धमकियां दे रहा है, लेकिन लोगों को शक्तिशाली चीन के साथ युद्ध का कोई डर नहीं है। पर कैंची वाला आभासी शैतान, जिसे ना किसी ने देखा है, सिर्फ उसकी हवाई कहानियां सुनी हैं, उसकी दहशत इतनी ज्यादा है कि महिलाओं ने अपने सिर तक मुंडवाने शुरू कर दिए, यानी ना रहेंगे बाल और ना कटेगी चोटी। देश के अलग अलग हिस्सों में अब तक सैकड़ों चोटियां कट चुकी हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसी विश्वसनीय कहानी सामने नहीं आई जिस पर भरोसा किया जा सके। आधुनिक होते भारत में सीसीटीवी का जाल भी फैल रहा है, लेकिन अब तक चोटी कटने का कोई वीडियो भी सामने नहीं आया। चोटी कटने की खबरें एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रही हैं, यानी जितनी खबरें आ रही हैं उतनी ही खबरें और तैयार हो रही हैं। पुलिस, मनोवैज्ञानिक सभी इसे दिमाग का वहम और असामाजिक तत्वों की शरारत बता रहे हैं। MH1 न्यूज भी ऐसी खबरों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की हिदायत नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर लगातार अलग अलग इलाकों में ऐसी खबरें आ रही हैं तो कम से कम उनकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। और हम अपने इस कार्यक्रम में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि चोटी काटने वाले शैतान का राज क्या है और इस वहम का आखिर इलाज क्या है। तो खौफजदा लोगों में चोटी कटने की दहशत अब इस कदर बढ़ गई है कि महिलाओं ने अपने सिर मुंडवाने शुरू कर दिए हैं। भटिंडा में जहां चोटी कटने के बाद एक महिला ने अपना सिर मुंडवा लिया, वहीं जींद में लोगों ने घर के बाहर मेहंदी के निशान लगा दिए। लोगों में लगातार डर बढ़ता जा रहा है और एक अनजाने खतरे को लेकर दहशत भी बढ़ रही है। ये तस्वीरें हैं डर की, उस डर की जो राजस्थान से लेकर पंजाब तक फैला हुआ है। ये तस्वीरें पंजाब के भटिंडा की हैं, जहां सपना नाम की महिला अपना सिर मुंडवा रही है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हो गया जो एक महिला अपना सिर तक मुंडवाने को भी तैयार हो गई। तो हम आपको बता देते हैं कि सिर मुंडवाने के पीछे महिला का डर है और ये डर आजकल महिलाओं के दिलो दिमाग में छाया हुआ है और इसकी दहशत की वजह से ही महिला अपना सिर मुंडवा रही है। ये डर है चोटी कटने का और इसका खौफ इतना बढ़ गया है कि महिलाएं अब अपना सिर तक मुंडवा रही हैं। जरा सुनिए, जब सपना की चोटी कटी थी उस वक्त क्या हुआ था। हमने बस काली काली परछाई देखी, बस जब आँखी खुली तब बार कटे, सोई में रोने लगी। सुना आपने, चोटी कटने से पहले महिला को काली परछाई दिखाई दी और उसके बाद वो बेहोश हो गई। सिर मुंडवाने के पीछे की कहानी भी हैरान करने वाली है। कहा जा रहा है जिस भी महिला की चोटी कटती है उसकी 3 दिन में मौत हो जाती है। चोटी कटने का जो सिलसिला चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में भी महिलाओं की चोटी कट रही है। हरियाणा में आए दिन महिलाओं की चोटी कट रही है।
झज्जर में भी महिलाओं की चोटी कटने के मामले सामने आए। पिछले एक हफ्ते में कई गांवों में चोटी कटने के मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से यहां लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। 3 दिन पहले मेरी भतीजी की भी कटी है, सिंहपुरा गांव में रुक्त के पास ही। उसकी भी अचानक ऐसे चोटी कटी है आंगन में आने के बाद, एकदम बेहोश होगी, उसको ज्यादा झपटा लगवा है। लोग इसे अभी भी अफवाह मान रहे हैं। नहीं जी, अफवाह नहीं, ये सच्चाई है। बुरी आत्मा है ये तो, जब कुछ दिखाई नहीं देता तो ये बुरी आत्मा है, ये तो भगवान जाने, ये तांत्रिक जाने इस बात को। तो पुलिस भी चोटी कटने के मामलों को लेकर परेशान है। अब पुलिस की समझ में ये नहीं आ रहा, कार्रवाई करें भी तो किस पर करें। पुलिस पहले तो इन मामलों को अफवाह मान रही थी, लेकिन अब इन घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। चोटी कटने के मामले लगातार बढ़ने से लोगों में खौफ है और वो इन मामलों को तंत्र मंत्र से जोड़कर भी देख रहे हैं। आगरा में तो एक बुजुर्ग महिला को चोटी काटने वाली समझकर भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। यानी अब चोटी कटने का मामला गंभीर हो गया है और ये कानून व्यवस्था पर भी भारी पड़ रहा है। इस बीच अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है आखिर चोटी काट कौन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो चोटी कटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हरियाणा के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, यानी देश की राजधानी दिल्ली में भी चोटी कटी। एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे हरियाणा के DGP ने दिया कौन सा बयान, जांच के बाद चोटी कटने के पीछे की जो सच्चाई सामने आई है उससे आपको रूबरू कराएंगे और आपको यह भी बताएंगे देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार किस तरह से चोटी कटने का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, हमारे साथ जुड़ेंगे पंडित आर.के. भारद्वाज, जो अपनी राय रखेंगे आखिरकार लगातार जब इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं तो इनके पीछे सच्चाई क्या है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश होगी MH1 न्यूज के तमाम दर्शकों से कि आखिरकार वो परेशान बिल्कुल ना हो, अफवाहें ना फैलाएं, इसके पीछे की सच्चाई जो भी होगी वो ब्रेक के बाद आपके सामने आएगी।